हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून. आई वेलकम यू ऑल टू आकाश अग्रवाल क्लासेस. आज से हम स्टार्ट करेंगे संजीवनी बूटी सीरीज़ के एसपी के रिवीजन के साथ. मतलब ये जो एसपी का मतलब ये जो संजीवनी बूटी रिवीजन है, ये हमारे जो आकाश सर है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बच्चों को रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए हैं, या मतलब एक साल हो गया वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जो भी रीजंस हो गए उनके, तो ऑब्वियस बात है कि रिवीजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और अभी हार्डली मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब हार्डली 1 month बचा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो हमने रिवीजन सीरीज़ चालू की है, ये आप अच्छे से शिद्दत से देखो 1 महीने के लिए, एंड आई अश्योर कि आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे. इसी के साथ जो संजीवनी बूटी का आप देख ही रहे रहेंगे कि ओसी का लेक्चर्स हमने स्टार्ट किया है. सुबह मंडे से वेनसडे सुबह करण सर का रहता है. अकाउंट्स का जो रिवीजन है वो शाम में तेजस सर का रहता है, मंडे टू सैटरडे. आज फर्स्ट लेक्चर था इकोनॉमिक्स का सुबह, राइट. और अभी हम स्टार्ट करेंगे एसपी के रिवीजन के साथ. एसपी का ये रिवीजन स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले, हम देखेंगे यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है वो हम देखेंगे पहले, क्योंकि पहले ऐसे लगता था कि ठीक है ये चैप्टर स्किप किया तो चलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है. हर एक चैप्टर के लिए इक्वली उतने ही मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सब लोग रेडी हो अभी एसपी के रिवीजन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट, ये यूनिट वाइज आपको दिया गया है, ठीक है. फर्स्ट यूनिट कौन सा है? सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. इसमें कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आ रहा है, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना जो आज हम पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस. और सेकेंड वाला चैप्टर कौन सा है? इट इज़ रिलेटेड टू कॉरपोरेट फाइनेंस ओनली, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. ध्यान से देखिए, ये दो जो चैप्टर्स हैं इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 17 मार्क्स. मतलब कोई छोटा मोटा ये नहीं है, स्कोर नहीं है. 17 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने लिए. और विद ऑप्शंस आपको कितना आएगा? ये 25 मार्क्स के लिए. फिर आता है सेकेंड यूनिट कौन सा है अपना? कैपिटल रेजिंग, जिसमें कवर होते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर. थर्ड चैप्टर कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स. ये तीन चैप्टर्स है. तो टोटल मार्क्स कितना है इसका? 24 मार्क्स के लिए है. तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना फर्स्ट और सेकेंड है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड 17 मार्क्स के लिए है और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है? 24 मार्क्स के लिए है. फिर आता है सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस. ये बच्चों का फेवरेट चैप्टर्स है जो 6, 7, 8 है. लेटर राइटिंग है. कौन से लेटर्स है ये? करस्पॉन्डेंस विद मेम्बर्स, जो हम मेंबर्स को लेटर्स लिखते हैं. उसके बाद सेवन चैप्टर कौन सा है? विथ डिबेंचर होल्डर्स. और एट चैप्टर कौन सा है? विथ डिपॉजिटर्स. बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर्स है ये. तीनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है. इसके कितना मार्क्स का है? 13 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 13 मार्क्स के लिए आता है. फिर है डिपॉजिटरी सिस्टम, जो 9th वाला चैप्टर है अपना. कौन सा? 9th वाला चैप्टर है, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम. वो कितने मार्क्स के लिए है? 7 मार्क्स के लिए. तो अभी आप बोलोगे कि मैम 7 मार्क्स के लिए है तो क्या वो इतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है उतना, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो चैप्टर्स एक दो है, लेकिन ये वाला चैप्टर जो है ये 9th चैप्टर है. कितने मार्क्स के लिए है? 7 मार्क्स के लिए. ये इंडिविजुअल चैप्टर 7 मार्क्स के लिए है. फिर आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो है अपना 10th चैप्टर और वो है 9 मार्क्स के लिए. एंड लास्ट फिनेंशियल मार्केट, उसमें है 11th और 12th चैप्टर. हम देखते हैं 11th और 12th चैप्टर कौन सा है. 11th चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट और 12th चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज. वो कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क्स के लिए है. तो ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके यूनिट वाइज मार्क्स.
जो टोटल कितना स्कोर करता है, 80 मार्क्स, ठीक है। ये आई वुड से कि आप ये लिख लो ताकि आपको ध्यान में आए कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का कितना कितना वेटेज है, क्योंकि फिर आप बाद में मतलब बार बार आप मतलब सोच नहीं सकते ना, कि याद नहीं रख सकते कि कितने मार्क्स के लिए कितना चैप्टर्स है। तो आप एक बार ये लिख लोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हम देखेंगे पेपर पैटर्न, क्योंकि ये जो अपना एग्ज़ाम है इसमें पेपर पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, और ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए नए भी हैं, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नए हैं तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये बार एग्जामिनेशन में, जो हम कम्प्लीटली कम्प्लीटली करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हो, आंसर इन ब्रीफ हो, या फिर अभी जो मैं आपको दो नए क्वेश्चंस बताऊंगी जो अपने टर्म पेपर पैटर्न में ऐड हुए हैं, तो जितने भी ऐड हुए हैं वो हम सब कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी फोर विल बी आस्क्ड। ये कितने क्वेश्चंस है टोटल मिला के? आपको 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए कितने मार्क्स के रहेंगे? इट विल बी 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके पॉकेट के मार्क्स है, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे कि आप ये 20 मार्क्स खत्म मतलब नहीं स्कोर करो करके। यू हैव टू स्कोर 20 मार्क्स, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि मैं बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं ना यूजुअली, अब जैसे करेक्ट ऑप्शन है वो कर लेते हैं, मैच द पेयर्स कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ना ये नहीं करता, आंसर इन वन सेंटेंस वाला पार्ट छोड़ देता है, बोलते कि कुछ आता नहीं है, ये नहीं है। ऐसे गलती भी मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। देखते कौन से इसमें पूछ सकते क्वेश्चंस। फर्स्ट है, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जो भी ऑप्शन है उसको करेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको रीराइट नहीं करते, तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसमें ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएंगे। तो क्या करना है आपको? आपको ऑप्शन को करेक्ट करना है, और उसी के साथ साथ जो करेक्टेड ऑप्शन रहेगा उसको आप अंडरलाइन कर लो और उसको रीराइट कर लो सेंटेंस में, ठीक है। उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, तो 5 क्वेश्चन वाला रहेगा वो। फिर आता है मैच द पेयर्स, फिर है गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म, ये थर्ड रहेगा सब क्वेश्चन, या फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स रहेगा, या फिर ऑड वन आउट रहेगा, या फिर कंप्लीट द सेंटेंस रहेगा। जी वाला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, फिर उसके बाद है आंसर इन वन सेंटेंस, फिर उसके बाद है करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट। ये भी ध्यान रखना, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट है तो आपको फिर से वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा। फिर आता है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। 10 क्वेश्चंस हैं, फिर से बोल रही हूँ, 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, पूरे मिला के 20 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप अभी आप ये बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एंड डोंट वरी, हम लोग ये कवर करेंगे अच्छी तरीके से, आपको भी पढ़ना है ये, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। आपको जो भी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स दिए रहेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें क्या रहेगा? एनी 4 आउट ऑफ 6 रहेगा, जो रहेगा 8 मार्क्स के लिए, राइट। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये जो मैं आपको बोल रही थी कि नया क्वेश्चन आया है आपके सिलेबस में, नया क्वेश्चन आया है आपके पेपर पैटर्न में, वो क्वेश्चन ये है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है ये सिलेबस में, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसको मतलब ये एग्ज़ाम में आए और आप इसको बहुत अच्छे से मतलब लिख सको इसको। अब ये जो क्वेश्चन है ये एनी 2 आउट ऑफ 3
3 रहेगा जो है 6 मार्क्स के लिए. तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है? 3 मार्क्स के लिए. ठीक है, इसको आप प्लीज स्टार मार्क करके रखिए और आई होप आप लिख रहे हो इसको मेरे साथ साथ में. इसको लिखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखिए. पेपर पैटर्न बदल गया है अपना, आपको इसको लिखना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ लिखिए इसको. क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार मार्क करके रखिएगा. फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आएगा एनी 3 आउट ऑफ 4. फिर आता है आंसर इन ब्रीफ, जो है एनी 2 आउट ऑफ 3, जो सेकेंड क्वेश्चन और एक है. जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है. तो आपको टोटली इसमें 2 नए क्वेश्चंस कौन से मिले हैं? एक है स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और सेकेंड वाला क्वेश्चन कौन सा है? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के लिए है? एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब देखो उन्होंने आपके लिए ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा छोड़ दिए. 4 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें से आपको कौन से कितने सॉल्व करने हैं? 2 सॉल्व करने के लिए. लेकिन ये भी देखना कि इंडिविजुअली वो कितने मार्क्स के लिए है. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आएगा आपको. फिर आता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, दैट इज लेटर राइटिंग, जो मैंने बोला कि स्टूडेंट्स का ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है. और कोई कोई स्टूडेंट्स के लिए ऐसे भी होता है कि मतलब लेटर को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि मतलब ऑब्वियसली सोचते हैं कि लेटर है तो लिख लेंगे. नहीं, ऐसे मत करना. अब ये कितना है? एनी 2 आउट ऑफ 3 है, राइट? एनी 2 आउट ऑफ 3 है. तो कितने चैप्टर्स हैं अपने लेटर्स के? 3 चैप्टर्स हैं. हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आएगा, उसमें से आपको जो 2 ईजी लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, वो दोनों लेटर्स आपको लिखने हैं. ठीक है, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि ये जो 10 मार्क्स है ना, ये जो 10 मार्क्स है, आप इसको इजीली स्कोर कर पाओ. तो आई वुड से कि ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स और जो 7th क्वेश्चन है लेटर राइटिंग के 10 मार्क्स, ये आपके पॉकेट के मार्क्स है. इसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करना है. लास्ट क्वेश्चन अपना जो है वो क्या है? अटेम्प्ट द फॉलोइंग, दैट इज लॉन्ग आंसर्स, जो है एनी 1 आउट ऑफ 2, 8 मार्क्स. ठीक है, ऐसे टोटल स्कोर होता है 80 मार्क्स का. हम जो भी पढ़ेंगे वो हम रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग. जो भी रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी अपने चैप्टर के साथ. जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा 4 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये चैप्टर में. आपको 4 क्वेश्चंस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है. तो आप मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ तो वो आप प्लीज़ लिख लीजिए पहले, जो 4 क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ. स्टार्ट करें हम लोग लिखने के लिए. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन. क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, और सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. ठीक है, लिखिए आप लोग फटाफट. चलो लिखिए फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा. फिर जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. लिखिए सेकेंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्टेट इट्स डिसीजंस व्हिच आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. आई होप आप लोगों ने लिख लिया रहेगा ये सब. अगर मिस आउट हुआ रहेगा तो आप मेरे को बोलिए, मैं आपको फिर से वो क्वेश्चंस बता दूंगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग.
फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है अपना? इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस. सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि फाइनेंस क्या होता है. ऑब्वियसली फाइनेंस क्या होता है, तो इट इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. मतलब एक बिजनेस के लिए जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. तो नॉर्मल फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? पैसा, मनी. और चैप्टर का नाम क्या है? कॉरपोरेट फाइनेंस. उसका मतलब क्या है? आप उस पैसे को, आप जो पैसा है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, वो उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस. तो इन शॉर्ट हम कॉरपोरेट फाइनेंस को क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. मतलब अरेंजमेंट करते हैं हम पैसों का, उसका सही तरीके से हम यूज़ करते हैं, हम यूटिलाइज़ करते हैं फंड्स का फॉर कॉरपोरेट वर्ल्ड. कॉरपोरेट का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉरपोरेट मतलब कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस. कॉरपोरेट फाइनेंस का मीनिंग समझा आप लोगों को? पक्का समझा आप लोगों को कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या रहता है? कॉरपोरेट फाइनेंस ये रहता है कि हम पैसों को सही तरह से अरेंज करते हैं, सही तरीके से मैनेज करते हैं, उसका सही तरीके से यूज़ करते हैं. किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर आर कॉरपोरेट, दैट इज़ फॉर आर बिजनेस एंड फॉर आर फर्म. तो कोई भी बिजनेस के लिए एक सक्सेस वाला चीज़ क्या रहता है? वॉट इज़ सक्सेस फॉर एनी बिजनेस? इट इज़ हाउ टू गेट फाइनेंस एंड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ द प्रॉपर फाइनेंस. समझे? पक्का? ये एक बिट मतलब स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ठीक है, एक बार मेरे को आप सब लोग बता दो कि आप लोग देख रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो और हम अभी स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ एक बार सब लोग बोल दीजिए कि स्टार्ट करेंगे करके. तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. इसका हम डिफरेंस बिटवीन जानेंगे. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? क्या मतलब है? फिक्स्ड कैपिटल refers to any kind of physical capital that is fixed asset. ऐसा capital जो हम कहाँ use करते हैं? Fixed asset के लिए use करते हैं. अभी fixed assets मतलब क्या? Land and building, machinery जो हम office के लिए use करते हैं, फिर furniture, ऐसे चीज़ों के लिए जो हम capital रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Fixed capital बोलते हैं. वैसे ही वर्किंग कैपिटल के लिए क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. ये वाला चीज़ ध्यान में रखना. व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, वर्किंग कैपिटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच. नेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच. अब मैंने ये आपको क्यों लिखने बोला है? ऑब्जेक्टिव में जब आपको क्वेश्चन आता है कि राइट एनी मतलब राइट दी टर्म्स वन वर्ड फॉर द सेंटेंस, तो ये आप लिख सकते हो वहाँ पे. ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएगा कि हम वर्किंग कैपिटल को और कौन से नाम से बुला सकते हैं. तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? नेटवर्किंग कैपिटल अप्रोच. और उसी के साथ साथ उसको हम क्या बुलाते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ये भी लिख लीजिए. ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों लिख लीजिए. अच्छा चलो, फिक्स कैपिटल तो हम लोगों ने समझ लिया. वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना? वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो हम डे टू डे रूटीन के लिए हम यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपना जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथली चले, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को यूज़ करते हैं. डन विद द मीनिंग. अब हम जाएंगे नेचर के लिए कि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो कितने टर्म के लिए रहता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कितने टर्म के लिए रहता है. फिक्स्ड कैपिटल जो है वो मोर देन वन
अकाउंटिंग टर्म रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉन्ग टर्म। कितने टर्म के लिए रहता है ये? लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और जो वर्किंग कैपिटल है वो कितने टर्म के लिए रहता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, वो सर्कुलेटिंग कैपिटल बुलाते हैं हम लोग। क्या बुलाते हैं हम लोग उसको? सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिर आता है पर्पस, क्यों यूज़ करते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल, वाई वी आर यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल। इट इज़ नॉट यूज अप इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मैंने अभी ऊपर आपको सेम एग्जाम्पल्स बोले थे कि हम फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए यूज़ करते हैं? फिक्स्ड असेट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो क्या क्या आता है उसमें? लैंड एंड बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, उसी के साथ साथ आपको और क्या क्या आता है? फर्नीचर आता है, राइट। एंड वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म। अभी मैंने ऊपर आपको फिर से यही चीज़ बोली थी कि कितने टर्म के लिए रहता है वर्किंग कैपिटल? एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है वर्किंग कैपिटल। तो उसमें सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज। ये जो एग्जाम्पल्स है ये आप प्लीज़ ध्यान में रखें, ताकि अगर आप ये एग्जाम्पल्स भी लिखोगे तो आपको ध्यान में भी रखोगे तो आपको ये अच्छे से याद भी रहेगा। तो कौन से 3 पॉइंट्स देखे अपन? हमने मीनिंग देखा, नेचर देखा, पर्पस देखा। मीनिंग क्या है फिक्स्ड असेट्स का, फिक्स्ड कैपिटल का? वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फिक्स्ड असेट्स के लिए यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपना जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है वो स्मूथली चले इसलिए हम यूज़ करते हैं। फिर नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है फिक्स्ड कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए है। उसी के साथ साथ पर्पस क्या है फिक्स्ड कैपिटल का? हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फिक्स्ड असेट्स में डालने के लिए, दैट इज़ लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। और वर्किंग कैपिटल किसके लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे उसके? कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज। फिर आया सोर्सेस। फिक्स्ड कैपिटल कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स। अभी के लिए या ये आप सिर्फ ध्यान में रखो कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है। ये आगे आगे जाके हम इसको अच्छे से डीपली पूरा डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? किससे हमको फंड्स मिल सकते हैं? हमको सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स। फिर वर्किंग कैपिटल कहाँ से हमको मिल सकता है? विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? आप खुद ही सोचो ना कि हम फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? क्या रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव? ऑब्वियसली फ्यूचर में जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे फिक्स्ड असेट से, वो बहुत अच्छा मिले इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना। चलिए देखते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। जैसे अभी मैंने बोला था कि हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हमको फ्यूचर में अच्छे से प्रॉफिट मिले इसलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। इमीडिएट रिटर्न क्यों मिलता है अपने को? क्यों मिलता रहेगा इमीडिएट रिटर्न? क्योंकि वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ है, हम डे टू डे रूटीन के लिए करते हैं। ये देखो अपन लोग अपने ऊपर हमने देखा था सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो जो कैपिटल है वो सर्कुलेट होता रहता है। क्यों वो सर्कुलेट होता रहता है? क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है इसलिए। फिर सबसे लास्ट पॉइंट, रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स कैपिटल में रिस्क कितना है? बहुत ज़्यादा रिस्क है। एंड कंपेरेटिवली वर्किंग कैपिटल में कितना रिस्क है? बहुत ज़्यादा कम रिस्क है, समझे? ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन अपना हो गया। इसी में ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन। इसी के साथ साथ ये आप अच्छे से कर लो सो दैट ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन द टर्म्स में आ सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि फिक्स कैपिटल को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बोलो कि वर्किंग कैपिटल को एक्सप्लेन कीजिए। तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें कवर कर दिए। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन, और सेकेंड क्वेश्चन हमने क्या कवर किया है? एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स कैपिटल आ सकता है या फिर कैपिटल वर्किंग कैपिटल आ सकता है आपको, ठीक है? अब हम करेंगे ब्रीफ क्वेश्चन जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड ही है। ये जो क्वेश्चन है
ये नए क्वेश्चंस है ये बार, मतलब दिस वाज नॉट इन द प्रीवियस सिलेबस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, आई होप सर ने आपको बोला है कि 21 मोस्ट लाइकली लाना है, तो आप लोगों ने वो लाए हैं, और जिसने भी नहीं लाए है वो प्लीज़ प्लीज़ लेके आए, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ लेके आ जाइए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट लाइकली में से क्वेश्चन है, तो ये हम पढ़ेंगे कि डिस्कस द फैक्टर्स, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया था ना आपको कि डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग का मतलब है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये कौन से जगह पे आपको ज़्यादा लगेंगे और कौन से जगह पे आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, उसमें ये फैक्टर्स दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ब्रीफ में है ये, आपको आ सकता है एनी टू में से, जो वन जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें से आएगा आपको। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, मतलब यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जहाँ पे हमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। द नेचर ऑफ बिजनेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़, डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स ऑफ बिजनेस दिए गए हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग का है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे कंपनीज जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है वो रिलेटिवली लेस लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस एंड एडिक्वेट कैश इनफ्लो इन दी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी है। जितना पैसा आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उतना ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो फर्स्ट ये ध्यान में रखना, नेचर ऑफ बिजनेस में वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग अगर आया, तो मैन्युफैक्चरिंग में जब आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है? लेस, ठीक है। अब आया सेकेंड। सेकेंड क्या है? पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न मतलब क्या होता है? ऐसे पब्लिक मतलब कंसर्न्स जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट वाली सर्विसेज, जो आप गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सर्विसेज, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस जो होती है, वो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें वर्किंग कैपिटल कैसा रहेगा? कैसे रहेगा? पब्लिक यूटिलिटी में जो वर्किंग कैपिटल है वो भी क्या रहेगा? लेस रहेगा। कितना रहेगा? लेस रहेगा। क्यों? सेम ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट्स को, तो उसमें क्या रहेगा? कितना रहता है? लेस रहता है। और उसी के साथ साथ जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में है उसमें कितना वर्किंग कैपिटल रहता है? उसमें भी लेस रहता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लग्जूरियस प्रोडक्ट। देखिए अभी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में आपको क्या लगता है कि वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? ऑब्वियसली हाई रहेगा। क्यों वर्किंग कैपिटल हाई रहेगा? क्यों? क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ना लग्जरियस आइटम्स, हर कोई यूज़ नहीं कर पाता लग्जरियस आइटम, रोज़ रोज़ हर एक इंसान नहीं खरीदता लग्जरियस आइटम्स, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? हाई रहेगा। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई या पॉइंट लिख दो और वहाँ पे हाई लिख दो या फिर लेस लिख दो वर्किंग कैपिटल, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब वो पूरा पॉइंट गलत हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सेल, राइट। फिर आता है द ट्रेडिंग और मर्चेंटाइजिंग फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स
need huge amount of working capital because they need to keep big inventories to fulfill the customers' demand. Merchandising मतलब क्या? क्या लगता है आपको merchandising मतलब क्या रहेगा? ऐसी जगह जहाँ पे goods हम buy और sell करते हैं. Buying and selling of goods इन लार्ज अमाउंट, मतलब हम होलसेलर से लेते हैं या तो हम रिटेलर से लेते हैं, हम लार्ज अमाउंट में किसी से गुड्स लेते हैं, उसको हम मर्चेंटाइजिंग बोलते हैं. तो वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रहेगा वो क्या रहेगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, फिर आया साइज ऑफ बिजनेस. पक्का आपको समझा? चलो मेरे को फटाफट बताओ आप लोग कि आपको समझाया नहीं करके. वर्किंग कैपिटल का फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस. मुलानी सामिया, आपने बोला कि मैम एक्सप्लेन दी टर्म्स में कितने पॉइंट्स लिखने हैं. एक्सप्लेन द टर्म्स में आई वुड से कि देखो, अभी जो हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का लिखा है तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये आप सारे मतलब एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी इट्स इनफ. ये 5 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी इनफ है, बट अगर आप ये 5 पॉइंट्स लिखोगे तो आप ये सही से लिख के आना, दैट्स इट. तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पॉइंट जो है साइज ऑफ बिजनेस. कन्फ्यूज मत होना, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस. सेकेंड वाला जो है पॉइंट वो क्या है? साइज ऑफ बिजनेस. अ बिजनेस एंटरप्राइजेस विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इसमें क्या हो गया कि अगर आपका साइज मतलब अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा? हाई वर्किंग कैपिटल. मतलब लर्निंग के लिए आप ये ट्रिक्स अपना लो ना कि साइज अगर आपका बिजनेस का बड़ा रहा तो आपको कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा वर्किंग कैपिटल. और अगर आपका बिजनेस छोटा रहा तो आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? कम लगेगा. दैट इज़ वाइस वर्सा. एक पॉइंट दिमाग में रख लो, सेकेंड पॉइंट वाइस वर्सा रहेगा, वो भी ध्यान में आ जाएगा आपको. मतलब एकदम से ध्यान में आ जाएगा वो. देखो, however, the need of working capital of business operated on small scale and at low level is comparatively less. Learning करने के लिए काफ़ी ज़्यादा easy है. Learning इनफैक्ट करना ही नहीं है हमको, ये रट्टा मारना ही नहीं है हमको, ये मतलब पॉइंट आपको ध्यान में रख के अपने को ये एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है. लर्न नहीं करना है. अगर आप लर्न करने जाओगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आप को ऑब्वियसली फिर ध्यान में नहीं आएगा. अगर एक पॉइंट मिस हो गया ना आपका तो फिर आगे के आपको सारे पॉइंट्स फिर मिस हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? नेचर ऑफ बिजनेस. सेकंड है अपना साइज ऑफ बिजनेस. थर्ड पॉइंट कौन सा है अपना? वॉल्यूम ऑफ सेल्स. अब हम जब फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे तो वो किसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे? सेल्स के हिसाब से. अभी तक अपन लोग हमने क्या देखा था? नेचर देखा था. सेकेंड क्या देखा था? साइज ऑफ बिजनेस देखा था. अभी हम देखेंगे सेल्स के हिसाब से. तो एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग मतलब ध्यान में रख लो, सेम है यहाँ पे भी. अगर आपका साइज़ जो है वो आपका सेल्स का साइज़ बड़ा रहा तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा आपको? ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा. और अगर आपका जो मतलब जो सेल्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स वो कम है तो आपको कितना लगेगा वर्किंग कैपिटल? ऑब्वियसली कम लगेगा. आया ध्यान में? आया पक्का ध्यान में? ये एक चीज लिख लो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सेल. वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल. साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. क्या लिखा आपने? वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. लिखा? पक्का लिखा आप लोगों ने? चलो स्टार्ट करते हैं. आया ध्यान में? अब देखेंगे प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस. क्या रहता है प्रोडक्शन साइकिल बताओ तो जरा, सोचो तो जरा क्या रहेगा प्रोडक्शन साइकिल में? जो रॉ मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है उनको हम कन्वर्ट करके कौन मतलब एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स. समझा?
प्रोडक्शन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ये ऑब्वियस बात है, मतलब प्रोडक्शन साइकिल आपको ध्यान में रखनी है. तो क्या लगता है आपको कि अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा टाइम लेता रहेगा तो वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? क्या लगता है? ऑब्वियस बात है ना, अगर आपको मतलब अगर आपका जो प्रोडक्शन पीरियड है वो ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए आपको कैपिटल कितना लगेगा, डे टू डे कैपिटल कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा. और अगर आपका प्रोडक्शन जो साइकिल है वो कम रहेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? कम रहेगा. अभी तक के पॉइंट्स में आप लोगों ने ये देखा ही रहेगा तीनों पॉइंट्स में कि अगर आपका बिजनेस ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर आपका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको कैपिटल कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा. अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है तो कितना लगेगा वर्किंग कैपिटल? ज़्यादा लगेगा. समझे? पक्का? चलो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा इजी पॉइंट्स है. इसको आप मतलब जो मेन पॉइंट्स भी है आप इनको दिमाग में रख लो तो आप लिख सकते हो अच्छे से इसको. फिर आता है बिजनेस साइकिल्स. ड्यूरिंग बूम डिमांड, मतलब जब आपको काम की डिमांड है, ठीक है, डिमांड एंड सेल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, विच इन टर्न विल इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर कोई भी इंसान के पास ज़्यादा काम है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियस बात है कि वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? उसको ज़्यादा लगेगा. एंड सेम इज़ विथ ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड द डिमांड एंड सेल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्लाइन एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्रीज. रिसेशन का मतलब क्या? काम ही नहीं है आपके पास, तो काम ही नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो तो फिर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत लगेंगे क्या आपको? ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं लगेंगे. आप अभी के टाइम में भी सोचो ना, कोरोना मतलब सबकी बैंड बजा दिए कोरोना ने, ऑब्वियसली किसी के पास काम नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की, कोई भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है. तो ये हुआ अपना बिजनेस साइकिल, ठीक है. फिर आता है टर्म्स ऑफ परचेसेस एंड सेल्स. इफ बिजनेस एंटरप्राइजेस डज नॉट गेट प्रॉपर क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स एंड अडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल्स देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी मोर विच इन टर्न विल इंक्रीज इन द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. अच्छा, लिबरल क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लिबरल क्रेडिट का मतलब कि मैंने आपको उधार दिया है, ठीक है, अब मेरे को आपसे वो उधार चाहिए, जितना भी मैंने आपको पैसा दिया वो मेरे को आपको आपसे चाहिए, लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रही आपसे कि मैंने आपको बोला नहीं कि मेरा ये टाइम था आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, इफ़ आई डोंट बी स्ट्रिक्ट तो मेरे पास कैश नहीं रहेगा, ऑब्वियस बात है, तो मेरे को कैश की तो ज़रूरत है ना, तो वर्किंग कैपिटल इधर क्या होगा, क्या रहेगा वर्किंग कैपिटल? यहाँ पे विल इंक्रीज द टर्म नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. कन्वर्सली उसी तरीके से अगर आप स्ट्रिक्ट रहे कि बाबा मैंने आपको उधार दिया है मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए अभी, अगर आप उतना ही स्ट्रिक्ट रहे तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि आपके जो पैसे थे वो आपके पास आ चुके हैं, राइट, जितने भी पैसे थे वो आपके पास आ चुके हैं. Conversely, if business enterprises get adequate or more period of time for making payment of suppliers and adopt less liberal credit policy for sales, then requirement of cash will be less, which in turn will reduce the need of working capital. आया ध्यान में आपको? पक्का? चलो, credit volume. Volume of credit sales, the term of credit sales, the collection policy etc. are the important components of credit control. Sound credit policy improves cash flow while liberal credit policy increases the risk of bad debts. देखो, अभी हमने देखा था ऊपर, sound credit control policy improves the cash flow while liberal credit policy credit control policy increases the risk of bad debts. अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं रहे जिसको भी हमने उधार दिया है तो क्या चांसेस हो गए आपके, क्या चांसेस रहेंगे कि जितना भी पैसा आपको दिया गया है वो डूब भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेट मिलेगा वो पैसा, और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो क्या होगा
वो डूब सकता है पैसा। द बिजनेस एंटरप्राइज सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, वेर एज द बिजनेस एंटरप्राइज इज सेलिंग ऑन क्रेडिट टर्म्स नीड मोर कैपिटल। अगर आप कैश में डीलिंग कर रहे हो, अगर आपका डीलिंग जो भी है वो कैश में हो रहा है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? लेस रहेगा। और अगर आपका जो डीलिंग क्रेडिट में हो रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं जब हमारे मतलब रिटर्न करने की बारी आती है तब। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑब्वियस बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको उसको ग्रो करना है, अगर आप उस बिजनेस को एक्सपांड करना है आपको आपके बिजनेस को, तो आप क्या करोगे? आपको जो वर्किंग कैपिटल लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ग्रोइंग एंटरप्राइजेस नीड मोर फंड कॉन्स्टेंटली टू फिनेंस लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जो अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, तो आपको कितना लगेगा? वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। फिर आया मैनेजमेंट एबिलिटी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या है ना, जो भी डिपार्टमेंट्स है आपके कंपनीज में, ठीक है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है कोऑर्डिनेशन और एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में, हर एक बिजनेस में। आप कहीं पे भी काम करने जाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं रहा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी वर्किंग कैपिटल है वो कितना रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स लास्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चन मेरे को पता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उतना ही इजी है। इफ़ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाई फंड्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ नीड, देन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लेस एंड वाइस वर्सा। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्यों बोला है यहाँ पे? जो भी बैंक है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, अगर जब आपको ज़रूरत लगेंगी, उस टाइम पे अगर आप पैसे दोगे, उस टाइम पे अगर आप पैसे बैंक्स हमको लोन प्रोवाइड करती है, राइट, अगर उस टाइम पे हमको बैंक प्रोवाइड करती है लोन, तो वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा आपका? लेस रहेगा। ऑब्वियस बात है ना कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको पैसे मिल रहे हैं ना उस वक्त पे, तो कितना रहेगा आपका कैपिटल? लेस रहेगा। और रिलेटिवली इट्स वाइस वर्सा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको नहीं मिले, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? ज़्यादा रहेगा। आ गया समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन? वी आर डन विद द क्वेश्चन। आ गया आपको ध्यान में? चलो, विल स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आर सेम है जैसे ऊपर था कि आपको वर्किंग कैपिटल कब कब ज़रूरत लग रही है, और इसमें भी वैसा ही है कि आपको फिक्स कैपिटल जो है वो कितनी कब कब आपको ज़रूरत लगती है। ठीक है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस। द बिग बिजनेस एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी नीड लार्ज फिक्स इन्वेस्टमेंट टू अक्वायर फिक्स्ड असेट्स, वेर एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस नीड कंपेरेटिवली वेरी लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। जो आपका बिजनेस है, जो आपका एंटरप्राइज है, ठीक है, अगर आपका जो बिजनेस है वो लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल पे रहा, अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो आपका फिक्स्ड कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न रहा, तो आपका कैपिटल कितना रहेगा? ऑब्वियसली लेस रहेगा।
फिर आता है साइज ऑफ बिजनेस. द जनरल रूल स्टेट्स दैट बिगर द साइज ऑफ बिजनेस हायर द नीड ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल. जितना आपका साइज है बिजनेस का, अगर वो बड़ा रहा तो आपको कैपिटल कितना लगेगा, बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप आपका बिजनेस कोई कंपनीज का रहा तो फिर आपको उसमें मशीनरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज लगेंगी जो आपको आपके काम में आएंगी. उसी तरीके से द बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट इज एस्टैब्लिश्ड टू अंडरटेक अ लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन इट्स फिक्स्ड कैपिटल नीड्स इज यूजुअली हायर. दिस इज बिकॉज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस आर कैरियड आउट थ्रू द यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. अभी मैंने आपको बोला कि मशीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है सबको, ऑब्वियस बात है, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करना भी तो मजाक नहीं है ना, उसमें इन्वेस्ट करना भी तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो उसमें क्या ज़्यादा लगता है, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगता है. फिर आता है अपना स्कोप ऑफ बिजनेस. The business enterprises which are established to undertake large-scale production or distribution of goods and services would need large amount of fixed capital. कुछ नहीं है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है. अगर आपका जो भी प्रोडक्शन स्केल है वो अगर ज़्यादा रहा तो आपको फिक्स्ड कैपिटल कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा. एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. If the entrepreneur acquires most of fixed assets on lease or on rental basis, his requirement of fixed capital funds will be very less. दो डिफरेंस होते हैं इसमें, ठीक है. अगर आप कोई भी मशीनरी खुद खरीदते हो तो आपको उसके लिए कितना ज़्यादा कैपिटल लगेगा, उसके लिए ऑब्वियस बात है कि उसको आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगा. लेकिन अगर आप वही मशीनरी को अगर आप रेंट पे ले रहे हो या लीज पे ले रहे हो तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पे द रेंटल अमाउंट. जो मंथली का अमाउंट रहेगा या जो जैसा भी डिसाइडेड अमाउंट रहेगा आपको उतना ही पे करना है. तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत लगेगी क्या? ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं लगेगी, ठीक है. ही नीड्स टू पे रेंट रेगुलरली टू फिक्स्ड असेट्स ओनर्स, दैट्स इट. तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है या नहीं? नहीं है. फिर आया अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स. इफ़ द एंटरप्रेनर्स आउटसोर्स और सब कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ हिज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट पोर्शंस फॉर सर्टन कंसिडरेशन इन मनी मॉनिटरी टर्म्स. ये इंपॉर्टेंट है. कौन से टर्म में? मॉनिटरी टर्म्स में. हिज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी रिलेटिवली लेस और मिनिमम. यहाँ पे आउटसोर्स का मतलब क्या है? आपका जो काम है वो आप किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप किसी और को करने के लिए दे रहे हो इन मॉनिटरी टर्म्स. कब? इन मॉनिटरी टर्म्स में आप करने के लिए दे रहे हो तो आपका फिक्स्ड कैपिटल कितना रहेगा? लेस रहेगा. कितना रहेगा आपका फिक्स्ड कैपिटल? लेस, ठीक है. आप एग्जांपल ले लो, आपको जो फ़ोन कॉल्स आते हैं एयरटेल से आते हैं, आइडिया से आते हैं, तो क्या वो कंपनी वाले ही करते हैं क्या आपको कॉल? जिसकी कंपनी है वही करते हैं क्या कॉल? नहीं, उन्होंने ये काम किसी और को आउटसोर्स किया है, मतलब किसी और को दिया गया है वो काम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी. फिर आता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. इसमें क्या है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स मतलब क्या, जो भी ओल्ड असेट्स है, जो भी पुराने असेट्स है, आप उसको खरीदते हो, ठीक है. आप उसको खरीदते हो मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड हैंड चीज़ें आप जब लेते हो तो जो भी फिक्स कैपिटल है वो कितना रहेगा? लेस रहेगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बोला था, अगर आप मशीनरी नई वाली खरीदोगे, राइट, अगर आप नई वाली मशीनरी खरीदोगे तो आपका जो फिक्स कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा. लेकिन अभी अगर आप जब सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो तो उसका कैपिटल कितना रहेगा? ऑब्वियसली लेस रहेगा. इफ़ एंटरप्रेनर एक्वायर्स ओल्ड प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एट लो प्राइजेस हिज फिक्स कैपिटल वुड बी मिनिमम और लेस. कितना रहेगा? मिनिमम ही रहेगा या फिर काफ़ी लेस रहेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा. फिर है एक्विजिशन ऑफ असेट्स.
on concessional rates. When government wants to promote the industrial growth and development of regional level, the industrialist इसका मतलब इसमें ये पॉइंट में ये है कि जब गवर्नमेंट को अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट रीजनल पे अपना ग्रोथ मतलब प्रमोट करना रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेनर्स गेट लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट एज वेल एज ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस फ्रॉम द गवर्नमेंट. कंसेशनल मतलब क्या, जितना प्राइस है उसके कम प्राइस में, उसके बहुत ज़्यादा कम रेट्स में गवर्नमेंट क्या करती है, मटेरियल को बेचती है, या फिर जो भी बिल्डिंग, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, उनको कंसेशनल रेट में बेचते हैं. इन सच केसेस रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल वुड रिड्यूस टू कंसिडरेबल एक्सटेंड. ठीक है, फिर आया इंटरनेशनल कंडीशंस. This is very important factor, especially in large business enterprises managing business on international level. ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ, example यहाँ पे ऐसे ही दिया है कि if war is expected in near future, then companies produce goods and services on large scale to avoid shortage. कुछ बोल नहीं सकते अगर मतलब ऐसा हुआ कि ये सिर्फ एक बोलने के लिए है कि इफ़ एनी वॉर इज़ एक्सपेक्टेड, अगर ऐसा कुछ हुआ कि फ्यूचर में हमको ज़्यादा गुड्स और गुड्स की और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा ना हो कि जो भी गुड्स है या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कमी हो, उसकी शॉर्टेज हो, ऐसा ना हो, इसलिए अभी से ही आप उस चीज़ों के लिए तैयारी करके रख रहे हो. तो उसके लिए आपका फिक्स कैपिटल कितना रहेगा, ऑब्वियसली लार्ज रहेगा, फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, और वो भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो वर्किंग जो आपका फिक्स कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा, हाई रहेगा. फिर आता है ट्रेंड्स इन इकोनॉमी. इफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी प्रेडिक्स दैट there will be lot of opportunities in the near future to develop and grow its business, then it undertakes expansion activities in all areas of business. To carry out expansion they need amount to invest in fixed assets so that it will be reap benefits in the future. Upar wala point jo tha wo aisa tha ki agar aapko need hui कि फ्यूचर में जाके गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा लग रहे हैं, शॉर्टेज ना हो, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, जो भी फिक्स्ड कैपिटल है वो ज़्यादा लगेगा. इसी तरीके से अगर आपको दिख रहा है कि जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो कम होते जा रहे हैं अभी, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फ्यूचर में क्या होगी, फ्यूचर में बढ़ेंगी आपकी अपॉर्चुनिटीज़, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप ये ट्राई करोगे कि जो आपका बिजनेस है वो उसको आप ग्रो करो, उसको आप एक्सपांड करो आपके बिजनेस को. ठीक है, तो उसके लिए आपका फिक्स कैपिटल कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा. फिर आता है पॉपुलेशन ट्रेंड. व्हेन पॉपुलेशन इन सर्टन एरियाज इज ग्रोइंग रैपिडली, then some industrialist or manufacturer get opportunity to expand their business. जब आपको दिखाई दे रहा है कि आपका industrial growth मतलब आपकी industries एक area में है जहाँ पे population काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि लोगों को काम की ज़रूरत है, तो वो industries क्या करती है, अपने बिजनेस को ट्राई करती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करे और लोगों को क्या करे, लोगों को काम पे रखे, सो दैट उनका जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो वो क्या हो, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो. फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. ठीक है, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री एग्जाम्पल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल टू एक्सपांड देयर बिजनेस. फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस. आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर हो गया. अब
ये क्वेश्चन में 12 पॉइंट्स है, आप ये पॉइंट्स में से कोई भी 8 पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन जो आप पॉइंट्स लिखोगे तो वो प्लीज़ वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का मिक्स ना करें। जो वर्किंग कैपिटल में पॉइंट्स है वो उधर ही रखिए, और जो फिक्स कैपिटल में पॉइंट्स है वो उधर ही रखिए। 12 में से कोई भी 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको उसमें आएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है कि आंसर इन ब्रीफ, एनी टू में से कोई भी वन लिखना है 8 मार्क्स के लिए, ये उसमें से आएगा। कस्टमर प्रेफरेंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड और मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन ग्रेट डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स दे नीड लार्ज अमाउंट टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स। क्या मतलब है इसका? अगर कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा रहेंगी तो आप क्या करोगे, आपका जो बिजनेस है, आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप एक्सपैंड करोगे कस्टमर्स के हिसाब से, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप उसको एक्सपैंड करोगे, तो आपका जो फिक्स कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा, हाई रहेगा। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी के लिए ऑब्वियसली सबको मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत रहती है, फिर लैपटॉप्स की ज़रूरत रहती है, ऑब्वियस बात है, जहाँ पे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होते हैं और जो मोबाइल सर्विसेज हमको मिल रही है, ठीक है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इनके लिए फिक्स्ड कैपिटल कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। एंड फिर आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर। क्या मतलब है इसका? वाइल टेकिंग डिसीजन इन रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर कॉम्पिटिटिव एलिमेंट। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स मूव टूवर्ड्स ऑटोमेशन, देन अदर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैव टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। मतलब क्या हुआ? आपको कॉम्पिटिशन फैक्टर रखना है, तो अगर एक इंसान ऑटोमेशन में घुस गया, मतलब ऑटोमेशन के साइड में घुस गया, तो जो उसका कॉम्पिटिटर है, वॉट ही हैव टू डू, ही हैव टू फाइट अगेंस्ट हिम, उसी सेम लाइन में जाके उसको उस कॉम्पिटिटर से वॉर करनी ज़रूरी है, ही नीड टू फाइट अगेंस्ट हिम। हैंस नीड टू अराइज मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। तो हमने अब तक कौन से क्वेश्चंस देखे हैं, कौन से देखे हैं? एक तो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल्स। आए ध्यान में आपको ये क्वेश्चंस? आपको एक बात बतानी थी, जो संजीवनी बूटी है उसमें से आपको दो क्वेश्चंस हटाने हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। पेज नंबर 3 पे जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, उसको आप कैंसिल कर दीजिए, यू डोंट हैव टू स्टडी दैट, क्योंकि वो रिडक्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है वो आपके सिलेबस में से। किया आपने? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको भी आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, वो भी रिड्यूस सिलेबस में से है। तो चलो फटाफट बोलिए कि आपने कैंसिल कर दिया क्या इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाएंगे। आर यू डन? क्या
चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, उसके पहले जो हम लोगों ने फैक्टर्स, अभी जो क्वेश्चंस 2 पढ़े हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल, इनको दोनों को आप LDR मार्क कीजिए। LDR इज लास्ट डे रिविजन, जब आपकी एग्ज़ाम रहेगी तो उसके एक दिन पहले आपको ये दोनों क्वेश्चंस बिना भूले पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए आप इन दोनों को मार्क कर लीजिए, दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Why is financial planning important? क्या लगता है आपको financial planning क्यों important रहेगी? चलो start करते हैं। Financial planning is an important function of financial management. It is a continuous process in day-to-day administration of business. It is not possible for finance manager to go ahead unless he prepares financial plan. कौन बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग? कौन बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड वो डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट इवन फॉर सर्वाइवल ऑफ फर्म। क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग? सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही नहीं, लेकिन फर्म में सही तरीके से हमको सर्वाइव भी करना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। द टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड अरेंजिंग द सोर्सेज ऑफ कैपिटल। आई डेफिनेशन पे। अच्छा, डेफिनेशंस हम जब लिखेंगे, तो जब हम डेफिनेशंस लिखेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खुद के वर्ड्स में नहीं लिखना है, डेफिनेशन आपको जैसे दिया गया है वैसे का वैसे ही लिखना है। द फाइनेंशियल प्लान ऑफ कॉरपोरेशन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। इट रेफर्स नॉट ओनली टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉरपोरेशन बट ऑल्सो टू द फाइनेंशियल पॉलिसीज विच कॉरपोरेशन हैज़ अडॉप्टेड और इंटेंड्स टू अडॉप्ट। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका कि जो फाइनेंस है, जो फंड्स है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो और आप उसको कहाँ यूज़ करते हो सही तरीके से, जिससे जो रिटर्न है आपको वो सही तरीके से मिले, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है? अब आया इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ड्यू टू फाइनेंशियल प्लानिंग इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। There are several factors such as change in government policy on taxes, fluctuating interest rate, which can be anticipated and tackled with the help of financial planning. Government policy on taxes का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी आपको याद रहेगा demonetization हुआ था, जो 1000 रुपये के नोट थे वो बंद हो गए थे, तो मतलब लोगों में इतनी घबराहट हो चुकी थी कि अभी वो जो भी पैसे है उसका क्या करेंगे करके, राइट? ऑब्वियस बात है। तो इसके लिए हमको क्या इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो टैक्स रेट्स है उसको हम सही तरीके से समझें, जो भी पैसा है उसको हम कहाँ सही तरीके से इन्वेस्ट करें वो हमको पता होना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। Finance holds the key to all activities of organization such as production, distribution, marketing and personnel. Coordination कहाँ पढ़ा था हमने? OCM में coordination पढ़ा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि management के लिए coordination कितना ज़्यादा important है। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने factors के इसमें भी देखा था कि दो departments के बीच में coordination होना बहुत ज़्यादा important है। अगर फाइनेंस मैनेजर को, मतलब अगर प्रोडक्शन मैनेजर को फाइनेंस मैनेजर से पैसे चाहिए, तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सही से होना चाहिए, कि क्यों पैसे लग रहे हैं, किसके लिए हम पैसे ले रहे हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए सब में, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में।
these activities hamper if not supported by proper financial planning. फिर आया dynamism. Financial planning is demanding exercises which requires dynamism on the part of finance manager. It means finance manager must take initiative and face various changing financial situation as and when they arise. Accurate forecast of future trend are required for effective planning. आपको फ्यूचर के बारे में मतलब फ्यूचर में जो भी प्लानिंग्स हो रही है उसके बारे में आपको सही तरीके से अंदाज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करोगे, ऑब्वियस बात है. और जो फाइनेंस मैनेजर है उसको क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशंस बदल रही है तो हाउ टू फेस दैट सिचुएशंस इंडिविजुअली, हाउ टू ओवरकम दो सिचुएशंस, वो उसको सही तरीके से ध्यान में होना चाहिए. तो ही वो फाइनेंस मैनेजर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से अप्लाई कर पाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट था. सेकंड कौन सा है? कोऑर्डिनेशन. और थर्ड कौन सा था? डायनामिज्म. फोर्थ कौन सा है? कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था, क्या मतलब था? इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर मैनेजमेंट. फाइनेंशियल प्लानिंग एनेबल्स द फाइनेंस मैनेजर टू कम्युनिकेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान टू द एग्जीक्यूटिव और अदर डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड है. ये दोनों जो है वो क्या है? इंटरलिंक्ड है. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन दो डिपार्टमेंट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू फाइनेंस मैनेजर टू कम्युनिकेट ईजीली विथ ईच अदर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. फिर आया डिसीजन मेकिंग. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ फर्म टू टेक अप्रोप्रिएट एंड टाइमली डिसीजन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स. जब भी आप डिसीजंस लेते हो तो आप किस बेसिस पे डिसीजन लेते हो? जितना भी फंड्स आपके पास है आप उसी हिसाब से डिसीजन लेते हो ना, कि आपके पास इतना फंड्स है तो जो भी डिसीजन लोगे आप अकॉर्डिंग टू दैट ही लोगे. ऑब्वियस बात है, उससे ज़्यादा या उससे कम में तो अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो उसके लिए आप जब डिसीजन ले रहे हो तो जितना फंड्स है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? आप डिसीजंस लेते हो. एनी स्कीम हाउस ऑफ एवर इफेक्टिव कांट गो थ्रू अनलेस बजटरी प्रोविजन इज मेड इन द फाइनेंशियल प्लानिंग. दैट्स वॉट अभी जो मैंने आपको बोला कि एक बजट ऑलरेडी आप लोगों ने डिसाइड किया गया है कि आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए कितना बजट रहता है वो आपने पहले से डिसाइड किया रहता है. ठीक है, फिर है इंटीग्रेशन. फाइनेंशियल प्लानिंग गिव्स अ फेयरली गुड आइडिया टू द फर्म अबाउट इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू बी कंप्लीटेड इन फुल कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट. यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई है, सेम पॉइंट आ गया है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए. दिस प्रमोट्स टीम स्पिरिट अमॉन्ग ऑल द एग्जीक्यूटिव्स. अगर आप साथ में काम करोगे तो आपका काम कैसे होगा? ईजी हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात है. जो भी आप काम कर रहे हो अगर आप कोऑर्डिनेट करके करोगे, अगर आप एक साथ करोगे तो आपकी टीम स्पिरिट क्या हो जाएंगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी आपकी टीम स्पिरिट. तो आपका काम कैसे होगा? ईजीली होगा, एकदम आसानी से आपका काम होगा. उसी के साथ लास्ट पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक. दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग इज इफेक्टिव व्हेन इट फोरसी इवेंट. इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट नॉट ओनली प्रेजेंट बट आल्सो फ्यूचर डेवलपमेंट. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ऑब्वियसली आपको क्या सोचना है? फ्यूचर के बारे में भी सोचना है. ऑब्वियसली आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो ही डे टू डे भी जो आप बिजनेस कर रहे हो वो आप सही तरीके से कर पाओ, सो दैट इन फ्यूचर आपको जो रिटर्न्स मिले वो क्या मिले? अच्छे से मिले. दिस फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स फॉर एडवांस प्रोग्रामिंग. अगर आपका प्लान अच्छा रहा फ्यूचर में कि आपको इतना इतना रिटर्न्स चाहिए आपके बिजनेस से, एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, अगर आपका वो सही से रहा तो ऑब्वियसली उसके लिए आप क्या करोगे? ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम रिटर्न्स.
तो हम लोगों ने आज तीन क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कवर कर लिए, हमारा एक ही क्वेश्चन बाकी है, और वो कौन सा क्वेश्चन बाकी है? डिसीजंस वाला क्वेश्चन बाकी है, ये भी एलडीआर क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, और उसी के साथ साथ जो संजीवनी बूटी में ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स है वो हम कल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला ट्रू और फॉल्स इज़ ऑलरेडी कवर्ड, जो हम लोगों ने अभी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो अपना क्या बचता है सिर्फ, फिर एक तो डिसीजंस का जो क्वेश्चन है वो बचता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो एक बचता है। हाँ, ट्रू और फॉल्स आप बोलोगे कि ट्रू और फॉल्स तो नहीं है मैम ये बार, सब लोग आप इसको कट करके क्या करोगे, ट्रू और फॉल्स को कट करके यहाँ पे आप लिखोगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो हम कल के लेक्चर में मिलेंगे, एंड प्लीज़ डोंट मिस द रिविजन लेक्चर्स, क्योंकि हर एक लेक्चर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, तो कल फिर सुबह नहीं, अभी शाम में फिर से हम मिलेंगे तेजस सर के साथ, तेजस सर का अकाउंट्स का लेक्चर है, तो 6:30 को लेक्चर रहेगा तेजस सर का, ठीक है? तो चलो, गुड बाय, कल फिर से मिलते हैं 4:30 को एसपी के लेक्चर के साथ। विल बी कंटिन्यूइंग विथ फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो चलो, बाय बाय। थैंक यू, वेलकम वेलकम।